जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई गेस कोई इशू था इस वजह से डिसकनेक्ट हो गया था। अभी थोड़ी देर में मोहम्मद इसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं जहाँ से उन्होंने छोड़ा था। शायद वो मेरा माइक म्यूट पे रह गया इसलिए मुझे पता नहीं चला। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप इस प्लान को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्लान को आप ऐसे चेंज कर सकते हैं कि आपके पास एनाटॉमी है सबसे पहले, तो आप एनाटॉमी सबसे पहले, जैसे आपको बोले एम्ब्रियो करें आप सबसे पहले, उसके बाद आपको मैंने बोला था कि आपने फिजियो करनी है तो फिजियो के टॉपिक्स आप कर लें, ठीक है, ब्लड ये कर लें। उसके बाद अगर आप दोबारा से एनाटॉमी की तरफ आ जाए, ग्रोस कर लें, उसके बाद आप दोबारा फिजियो के टॉपिक्स कर लो, रेंट पे बायो का। अब इस प्लान को अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, आप यही वाला प्लान फॉलो करें जैसे मैंने बना के आपको दे दिया, आप ये वाला फॉलो ना भी करें। ये बेसिकली आपको एक आइडिया देना था कि प्लान आपने बनाना कैसे है, ठीक है। आप इस तरह का अपना प्लान भी बना सकते हैं, आप खुद से जो टॉपिक्स आपको इसमें लिखे हुए हैं आप उनको निकाल दें, जो टॉपिक्स आपको नहीं आते आप उनको ऐड कर। लेकिन आपका प्रूफ काफी दूर है, अभी आपका प्रूफ ऑलमोस्ट 15 दिसंबर को है, ठीक है, इससे भी लेट है, बल्कि 26, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं सारे के सारे टॉपिक्स इंक्लूड कर देता, जैसे कि क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि अपन ने इंक्लूड नहीं किया, तो टॉपिक्स तो सारे इंक्लूड हो सकते थे, उस तरह का भी शेड्यूल बन सकता था। मैं तो चाह रहा था टॉपिक्स इससे भी कम हो, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि अगर जितने ज्यादा हम टॉपिक सोचते हैं ना, मैं सोच के आता हूँ ना कि मैंने पूरी बुक करनी है, ठीक है, तो नहीं हो पाती, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और ऊपर से छुट्टियां हैं तो थोड़ा सा रेस्ट का भी दिल करता है, इतनी हेक्टिक रूटीन से हम लोग आए हैं, ठीक है। तो जितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम उतनी कोशिश करें, आप टॉपिक इसमें से कोई निकाल दें, कोई ऐड कर दें, तो आपके ऊपर है, आप जितना अच्छा से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप एम्ब्रियो जल्दी कर लेते हैं, मैंने 7 डेज इसके लिए दे दिए,
5 को मैंने 7 में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको और जल्दी कर सकते हैं आप, 2 डे इसमें कम करके वो 2 डेज आप अपर लिम को दे दें, ठीक है। तो ये टाइम आपने कुछ चेंज करना है, इसके अकॉर्डिंग शेड्यूल आपने अपना कुछ सेट करना है। जरूरी नहीं आप यही वाला बिल्कुल पैट यही शेड्यूल आप कॉपी पेस्ट करें, अगर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको इसमें फायदा नजर आ रहा तो आप यही कॉपी पेस्ट करें, लेकिन अगर आपने इसको चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको किसी भी तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये समर का ये प्लान हो गया, इसके बाद आपके फौरन जाते ही आपके टेस्ट होंगे आपको पता है जैसे, तो आप यहाँ से टॉपिक कुछ माइनस करके तो आप इसको कुछ नए टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं जो आपके जाते हैं टेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपका बायोकेम का कोई जाते टेस्ट है, तो आप यहाँ से कोई एक टॉपिक निकाल दें अगर आपको लग रहा है कि वो आपको पहले आपको आता है उसके पहले कर लें जो आपको जाते टेस्ट है, हम इसको थोड़ा वेरी कर लें। और लास्ट थिंग ये कि आपने जितना अभी करना है उसको बहुत अच्छे से करना है, ये नहीं करना कि मैंने पूरी बुक कर ली है लेकिन फिर पहले की तरह 2 पेज छोड़ दिए, 2 पेज कर लिए, आधा कर लिए। आपने जितना करना है उसको बहुत अच्छे से करना है, उसको इस तरह से करना है उससे रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, आपको चीजें याद भी हो, आप कोशिश करें उससे रिलेटेड पास, और कोशिश करें जिस तरह आपको फिजियो का बताया बायोकेम के भी आप थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल्स को भी टच दे दें, ठीक है। प्रैक्टिकल बाद में थोड़ा करना मुश्किल होता है, तो कोशिश करें आप कम चीजें कर लें लेकिन उससे रिलेटेड आप हर चीज कर लें, ठीक है। तो अगर इस किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा हाँ, हेली की तरफ से कोई क्वेश्चन था, उन्होंने कहा था कि आपने फिजियो के कोई नोट्स के बारे में बताया, अगर तो वो बता दें कि वो लोग नोट्स कैसे बनाए फॉर फिजियो। तो मैंने आपको ये बताया एम्ब्रियो का, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो के आपने नोट्स बनाने, फिजियो का थोड़ा सा मैं ऐसे बता देता हूँ आपको कि फिजियो में एज इट इज इतने ज्यादा नोट्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन आपको जैसे पहले बताया गया शॉर्ट लिस्टिंग की थोड़ी सी, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टिंग में ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल आपके 4 मेजर टॉपिक्स है ना, जैसे मैंने किया था, मैं आपको अपना बता देता हूँ, आपके 4 मेजर टॉपिक्स हैं, तो आप ऐसे करें सबसे पहले आपने फॉर एग्जाम्पल ब्लड किया ना, तो आप पूरे ब्लड को समराइज कर, ठीक है। समराइज इस तरह से करें कि उसमें जो इम्पोर्टेंट आपके सीक्वेंसेस बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट फ्लो चार्ट्स बनते हैं, उसको आप फ्लो चार्ट्स में कन्वर्ट करें। जैसे लास्ट में आपसे सारी गाइडें नहीं पढ़ी जाएगी, 2 दिन आपके पास होते प्रोफ में गैप, ठीक है, 2 दिन में सारी गाइडें नहीं पढ़ी जाती। तो शॉर्ट लिस्टिंग का मैंने पहले ही आपको बताया हुआ कि शॉर्ट लिस्टिंग आपने कैसे करनी, जैसे आप बात करें ना हम गाइडन की शॉर्ट लिस्टिंग की, तो गाइडन की शॉर्ट लिस्टिंग तो बहुत इजी है, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आप ऐसे कर सकते हैं कि आप सबसे पहले गाइडन का एक पेज पढ़ा, उस पूरे पेज को पढ़ें, उसमें जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट आपको लग रही है उसकी समरी बना लें, उसका फ्लो चार्ट बना लें, एक स्टिकी नोट पे लिख लें, एक पेज पे लिख लें, उसको आप साथ स्टेपल कर लें उसी पेज पे, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लग रहे हैं उसको आप हाईलाइट कर लें, अगर कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूरा का पूरा बन रहा है पूरा, उस पूरे को आप मतलब कर लें, उसके दोनों तरफ मार्क कर लें, ये वाला एमसीक्यू ऊपर लिख लें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मतलब लास्ट में जब आप जाए तो आपको पूरी गाइडन ना पढ़नी पड़े, बल्कि जो एक चैप्टर है आपका गाइडन का, फॉर एग्जाम्पल एक पूरा पेज ऐसा है जिसमें से सिर्फ एमसीक्यूज आने, कोई एमसीक्यू नहीं बन रहा, उसके आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अंडरलाइन कर लें, एक पूरा ऐसा है कि उसमें सिर्फ फ्लो चार्ट एक बन रहा है, यानी पूरे में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एक कहानी बताई हुई है, आप उसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में स्टिकी नोट्स पे आप लिख के उसको साथ स्टेपल कर लें, आपको फिर पूरा पेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर पूरा पेज में अगर कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसमें लग रहा है उसको हाईलाइट कर लें तो आपको सिर्फ वो पढ़ना पड़ेगा और पेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फिजियो की शॉर्ट लिस्टिंग ऐसे कर सकते हैं, इसके अलावा एज इट इज उसके नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको आपने जो कुछ करना है गाइडन के ऊपर करें, कोशिश करें कि गाइडन के ऊपर लिखा, हाँ अगर कोई एडिशनल चीजें हैं और ऐसी चीजें जो आपने फॉर एग्जाम्पल जेपी से पढ़ी है, गेनोम से पढ़ी है, या फिर दोस्त आप यूज कर रहे हैं उसके लिए कुछ शॉर्ट चीजें, तो आप उसको रजिस्टर पे लिख लें, आप ऊपर चैप्टर का नाम लिखें कि यहाँ पे ये टॉपिक है उसका पेज नंबर लिख लें, ताकि आपको जब आप रिवीजन कर रहे हो गाइडन पे तो आप गाइडन पे भी मेंशन कर लें कि ये मैंने रजिस्टर पे चीज लिखी हुई है, और फिर आप रजिस्टर पे जब करेंगे तो फिर आप इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है मोहम्मद, उसमें है कि सारे टेस्ट मैंने फिजियो के दिए थे लेकिन अब जब मैं गाइडन पढ़ रहा हूँ तो वो गाइडन से मतलब उन्हें याद नहीं आ रहा कि भाई मैंने गाइडन ये पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई, और अब पढ़ा भी नहीं जा रहा।
जी बिल्कुल, यही मसला होता है ना, मैंने आपको बताया कि गाइटन का ये मसला कि आपने आपने टेस्ट दे दिया उसके बाद आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये आसान तरीका ये है कि आप गाइटन की शॉर्ट लिस्टिंग कर देना, अभी आपके पास टाइम है ना समर में, तो जो एटलीस्ट समर में आपने टॉपिक्स करने ना, फॉर एग्जाम्पल आपने समर में चार टॉपिक्स ही करने, जो आपको बताया तीन मेजर एक माइनर, तो एटलीस्ट आप इनकी इस तरह से इसको तैयार करें, अभी से शॉर्ट लिस्टिंग तैयार कर लें कि आप इसको अभी जो गाइटन आप कर रहे हैं आप साथ साथ उसको हाईलाइट कर लें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, या फिर आप इस तरह कर लें कि जो मैंने आपको बताया फ्लो चार्ट्स वगैरह बना लें, फिर आप जो बारह जब वहां पे आएंगे उस पेज को खोलेंगे आपको जाते ही आइडिया हो जाएगा कि इस पेज पे ये चीजें लिखी हुई है, आप एक दफा उसको पढ़ेंगे जो ऊपर फ्लो चार्ट बना हुआ है, फिर आप एक दफा नीचे भी रीड कर लेंगे, यानी जब आपने सेंडअप्स के लिए पढ़ना तो आपने एक दफा पूरी बुक रीड करनी है, ठीक है। इसी तरह जब आपने प्रोफ से पहले आपको 40 डेज मिलते हैं, आपको 40 से भी ज्यादा मिल सकते हैं, तो आप एक दफा तो पूरी बुक रीड करनी ही करनी, लेकिन जो आपका प्रोफ का पेपर है उससे पहले 2 दिन है, बेसिकली आपने उसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग तैयार करनी, वो आप जितनी दफा रीड करते जाएंगे जो एडिशनल चीजें आपको समझ आती जाएंगी कि इंपॉर्टेंट, आप उसको अपने नोट्स में ऐड करते जाएं, रजिस्टर में ऐड करते जाएं, तो वो एंड वाले डे में आपको क्या होगा, आपको गाइटन का ऑलमोस्ट 25% हिस्सा रह जाएगा जो आपको रीड करना पड़ेगा, सारे फ्लो चार्ट्स होंगे सारी चीजें, वो आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी यहाँ यहाँ ये लिखा हुआ था, तो एक स्टोरी बन जाती है, बेसिकली गाइटन एक स्टोरी की तरह लिखी हुई है, आप उसको स्टोरी की तरह ही याद करें, ठीक है। उसके बाद है एम्ब्रियो के गाइडलाइंस देने, एम्ब्रियो के मैंने अभी बताया कि आपने 6 to 7 days रखने हैं, और उसमें आपने सबसे पहले डॉक्टर नजीब के लेक्चर सुनने हैं, साथ साथ आपने नोट्स बनाने हैं, और नोट्स मैंने इस तरह बोला पहले 4 दिन आप डॉक्टर नजीब के लेक्चर सुने, साथ साथ नोट्स बनाए, साथ साथ आप उसके अपनी बुक की KLM की रीडिंग करें, जिस तरह मैंने गाइडलाइन पोस्ट की हुई है ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर आप देखेंगे आपको गाइडलाइन प्रॉपर मिल जाएगी, एम्ब्रियोलॉजी वर्ड लिखेंगे ना आप सर्च में जाके आपको पूरी की पूरी गाइडलाइन मिल जाएगी कि आपने करना कैसे कैसे। लेकिन अभी 7 days प्लान जो है इसमें आपने क्या करना है, पहले 4 days में आपने डॉक्टर नजीब के लेक्चर सुने जनरल एम्ब्रियो के सिर्फ, ठीक है, और जब आप लेक्चर सुने साथ साथ आप लेक्चर के नोट्स बनाते जाए, लिखते जाए डॉक्टर नजीब ने क्या बोला, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा हर लेक्चर के बाद हर जो टॉपिक उसके बाद एक एक पेज छोड़ते जाए, ताकि जो बुक जब आपने पढ़नी है तो उसमें जो एडिशनल चीजें होंगी या कमी बेशी होगी वो आप उसमें लिखते जाए, ठीक है। उसके अलावा आपने सेपरेटली सारे जो है आपके क्लिनिकल है उसके नोट्स बनाने, क्योंकि एक क्लिनिकल मस्ट आता है आपका, ठीक है, आप क्लिनिकल के नोट्स बनाए, पहले 4 दिन में आप ये काम कर लें, और जो लास्ट वाले 2-3 days है उसमें आप सिर्फ नोट्स याद करें जो आपने बनाए, ठीक है। उसके बाद है जीए के बारे में थोड़ा सा, ये कि जीए की एक बुक है तो आप इजीली उसको आराम से याद कर सकते हैं, मैंने आपको बताया उसके लिए 4 to 5 hours बस रिक्वायर होते हैं, आप 4 to 5 hours में इजीली आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप अगर जिस दिन आपने वो करनी है थोरैक्स वाले टॉपिक करने हैं तो उसके साथ साथ भी आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, उससे इतना इशू नहीं है, वो आपके प्रोफ में भी जाके तैयार हो जाती है, लेकिन अभी एक दफा रीड कर लेंगे तो जरा इजी होगा। उसकी मैंने वैसे गाइडलाइन पोस्ट की हुई है, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है बस वही वाले आपके, ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, इसके अलावा फिजियो में आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, अगर आप फिजियोलॉजी के इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो कि आप लोगों को वो चीज़ याद नहीं रहती, तो मैं जो ये कहती थी क्योंकि FSC में हमारा एक वो थीम होता है कि हम लोगों ने ये चीज़ जो है वो रट्टा लगाना है, लेकिन हम लोग इतनी बड़ी किताब को रट्टा नहीं लगा सकते फिजियो को, तो हमारे लिए मसला होता है कि हमने SCQ कैसे सॉल्व करने हैं, उसको लिखेंगे कैसे, और वो जो प्रेजेंटेशन FSC में करते थे वो यहाँ पे कैसे करेंगे। फिर दोस्त के बारे में लोग बहुत बुरा भी कहते हैं, लेकिन फॉर मी कि जब आप SCQ लिखते हो ना तो आप लोगों को एक पॉइंट्स याद रखना ज्यादा आसान होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप हेडिंग याद रख लेते हो तो आपको याद रह जाता है कि SCQ में मैंने क्या क्या लिखना था, जिस तरह हार्ट वाला टॉपिक है अगर हार्ट की प्रॉपर्टीज पे अगर आपको SCQ आया हुआ है तो फिर दोस्त में बहुत अच्छा हार्ट की प्रॉपर्टीज जो है वो पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई है। अगर आप यही चीज गाइटन के उठा के देखोगे, गाइटन ने भी वही चीज लिखी हुई है, लेकिन द थिंग इज कि आपको बहुत ज्यादा वो मैसअप हो जाता है, आप भूल जाते हो कि वो क्या, आप अलग से अपने पॉइंट्स बनाओ रजिस्टर पे बैठ के, उससे अच्छा है कि आप फिर दोस्त को कंसल्ट कर लो, लेकिन SCQ के लिए MCQ के लिए मैं कभी भी नहीं कहती, मैं खुद गाइडन पूरी पढ़ती हूँ, एक एक पेज पढ़ती हूँ, वो जो इंट्रोडक्शन होता है वो भी पढ़ती हूँ, मेरी अपनी फ्रेंड्स कह रही होती हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं उसे रीड करती हूँ। द रीज़न बिहाइंड के आप लोगों को MCQ जो है वो गाइडन से आते हैं, वो फिरदौस से नहीं आते हैं, तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि आप लोग सिर्फ गाइडन छोड़ दो और फिरदौस पढ़ो, आपको फिर दो जगह पे एक वाइवा अगर आपका होता है, FJ में तो वाइवा होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर
जो आप लोगों के हैं कॉलेजेस, लेकिन जो वाइवा है उसके लिए भी आपको फिरदौस बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि आपको पता होता है कि आपने टू द लोगों को डिस्टिंक्शन का भी मसला है, वो अपने एससीक्यू बहुत अच्छे करना चाहते हैं, वो इधर फिरदौस से जो है अपने पॉइंट्स कंसल्ट कर ले, पढ़ना आप लोगों ने गाइडेंस से ही है, साथ रख लो फिरदौस के जितने पॉइंट्स हैं वो आप गाइडेंस पे मेंशन करते जाओ, आपको वो चीज नहीं भूलेगी उसके लिहाज से। बिल्कुल इस पॉइंट से मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन उसको आपने जिस रिव्यू के तौर पे पढ़ना है, मेन बुक के तौर पे कभी भी फिरदौस को नहीं पढ़ना, ठीक है? आप उससे ये ले मेन बुक पढ़ लेंगे तो इनको खुद मसला होगा इससे लास्ट पे। हाँ, उसके रीजन ये कि एमसीक्यूज आपको सिर्फ गाइडेंस से आते हैं, ठीक है? तो कोशिश ये करनी है कि फिर आइडिया लेना है कि आप एससीक्यू कैसे सॉल्व करें, ठीक है? एससीक्यू का आइडिया ले सकते हैं आप, वाइवा का आइडिया ले सकते हैं, लेकिन गाइडन पढ़ने के बाद, गाइडन से पहले नहीं उसको पढ़ना, ठीक है? जमशेद चट्ठा साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, माइक अनम्यूट कर लें। मैंने माइक अनम्यूट कर लिया, आप पूछ लें। वालेकुम सलाम, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, दोबारा जरा बोलना। पूछना था जेपी की जो फिजियोलॉजी है उसका क्या कर, जेपी से जेपी के बारे में जो पूछा है ना, जेपी से सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं, क्योंकि जेपी में लिखा बहुत अरेंज वे में, जेपी बिल्कुल आपकी एफएससी की बुक्स की तरह लिखी, लेकिन जेपी का मसला ये है कि वहां से एमसीक्यूज नहीं आते। आप जेपी से पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक्स वहां पे बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए, अरेंज लिखे हुए, लेकिन अगेन गाइडन एमसीक्यूज आपके सारे गाइडन की लाइंस आनी एग्जैक्ट। यूएचएस वाले ने लास्ट ईयर, अगर मैं आपको अपनी बताऊं अपनी बात, तो 45 में से 44 एग्जैक्ट गाइडन की लाइंस आई, लाइंस एग्जैक्ट, ठीक है? तो इट मीन आप पढ़नी आपको गाइडन ही पड़ेगी, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो है वो जेपी से, जैसे आपको बताया वो गाइडलाइन में जो मेंशन किए हुए हैं वो आपने जेपी से रीड करने, ठीक है? वहां से आपने तैयार करने, बाकी आपने सारा का सारा जो है वो गाइडन से ही पढ़ना। इसके अलावा कोई और किसी का क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है कि ग्रॉस जो है मैं बीडी से कर रहा हूं, तो एम आई इन द सेफ जोन? जी बिल्कुल, बीडी से आप कर ले, लेकिन अगर आपने एडिशनल कुछ चीजें करनी है, जैसे कि मैंने पोस्ट में भी मेंशन किया था कि आपने क्लिनिकल्स केएलएम से करनी है, नर्व्स केएलएम से करनी है और आर्टरीज केएलएम से करनी है, ये तीन चीजें आप केएलएम से कर लें, आप आर्टरीज और नर्व्स जो है वो आप कर सकते हैं बीडी से, कोई मसला नहीं। क्लिनिकल्स आपने बीटी वाले सारे ही करने, ठीक है? लेकिन जो क्लिनिकल्स है ना, कुछ केएलएम से एग्जैक्ट आते हैं, मतलब वहां से वो पेट क्लिनिकल वहां लिखा हुआ है, बीटी में लिखा ही हुआ, ठीक है? तो वहां से क्लिनिकल्स दे देते हैं, तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आप जो है वो आर्टरीज, नर्व्स और क्लिनिकल्स, ये तीन चीजें आप केएलएम से कर लें, क्योंकि आर्टरीज और नर्व्स जो है ना वो पूरे पूरे रीजन की जो केएलएम ने बच्चे बड़े अच्छे अरेंज वे में दी है, तो आप आर्टरीज, नर्व्स और जो क्लिनिकल्स है वहां से कर लें, बाकी सारी चीजें आप बीटी से कर लें, तो इनफ है, मोर देन इनफ है, आपकी डिस्टिंक्शन भी आ सकती है, बल्कि आ जाती है, आती है बल्कि बच्चों की जिन्होंने बीटी सिर्फ पढ़ी होती है, इवन कुछ बच्चों ने केएलएम पढ़ी भी नहीं होती, उनकी डिस्टिंक्शन आई हुई है। सो इट डजंट मैटर कि आप बीटी पढ़ रहे हो, आप केएलएम पढ़ रहे हो, बस आप जो पढ़ रहे हो आप उस पे ये आपका यकीन होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है वो सबसे परफेक्ट, मुझे सबसे अच्छा लगता है। जब आप वाइवा देना, जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपको सारा कुछ आता है। अच्छा जी, जेपी में हार्ट के कुछ टॉपिक्स, जी बिल्कुल, मैंने पोस्ट किया था कि आपने जेपी से ईसीजी वाला सारा का सारा टॉपिक करना, आपने वो आपने गाइडेंस से नहीं करना, बिल्कुल गाइडन को हाथ भी नहीं लगाना। इसी तरह जो आपका वेक्टर वाले कुछ टॉपिक्स है वो आपने जेपी से सारा करना है, वो टॉपिक्स वहां पे बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। जो टॉपिक्स जेपी से करने हैं वो मैंने अपनी पोस्ट में मेंशन किए हुए हैं, आप एक दफा जो भी आपने भी करना है टॉपिक क्रिएट करना, उससे पहले एक दफा गाइडलाइन लाजमी देख लीजिएगा, उसमें आपकी हर चीज मेंशन की हुई, ठीक है? तो जेपी बहुत अच्छी बुक है, मैं अगेन बता रहा हूँ, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि एमसीक्यूज जेपी में से नहीं आएंगे, जेपी की कोई लाइन आपके एमसीक्यूज में नहीं आएगी, आपकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी गाइडन से लाइन आती है, ठीक है? तो गाइडन की रीड जरूरी है, लेकिन जहाँ कहा कि गाइडन नहीं पढ़नी, सिर्फ जेपी पढ़नी, आप वहां सिर्फ जेपी पढ़ लें तो वो मोर देन इनफ।
इसके अलावा आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं होगा, टाइम भी काफी हो गया। हम ये अपना जो इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एट द एंड में एक चीज कंक्लूड करना चाहूंगी, जो क्वेश्चन पर्सनली पूछा गया है वो ये कि सीनियर जो है अगर आप किसी को कहो कि डिस्टिंक्शन मैंने लेनी है तो वो हंसना शुरू कर देते हैं, अभी तुमने क्या डिस्टिंक्शन लेनी है ये। आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों को जो बंदा बहुत ज्यादा डिग्रेड करता है आप उससे कभी भी शेयर मत करो कि मैं ये करना चाहता हूँ ये नहीं। अपना फ्रेंड जोन ऐसा रखो कि आप लोगों को ये लगे कि भाई अगर मैं अगर डिस्टिंक्शन लेना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने अपनी फ्रेंड से अगर कल बात की है तो मैं उसे कहती हूँ कि भाई मैंने एनाटॉमी में डिस्टिंक्शन लेनी है, मेरी एनाटॉमी अच्छी है, तुम्हारी फिजियो अच्छी है, तुम फिजियो में डिस्टिंक्शन ले रहे हो। अपना फ्रेंड जोन वो रखें जो आपको लगे कि अगर मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो ये बंदा भी आगे से मेरी हेल्प करे। आप किसी के साथ सिंसियर रहोगे तो बंदा आपके साथ सिंसियर रहेगा। एमबीबीएस में आके आपको एक दूसरे से झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं रहती। फिर वही बात आ जाती है कि जब आप यहाँ पे कंपटीशन आपस में एक अपने अपना ये कहोगे कि मैं जो अपने नोट्स हैं वो किसी के साथ शेयर मत करूँ तो आपका जो फ्रेंड है वो आपसे ज्यादा तेज है वो भी आपके साथ शेयर नहीं करेगा। अगर आप अपने नोट्स जाके उनके साथ शेयर करते हैं एक दफा दो दफा तीन दफा तो उनको भी होता है कि यार मेरी हेल्प करते हैं तो मैं भी इसकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। एट द एंड होता ही आप किसी को समझाते हो तो आपका अपना फायदा होता है। ठीक है, तो अपने आपको नेगेटिविटी से एमबीबीएस में नहीं किसी भी लेवल पर बाहर जाते हो आपकी पर्सनल लाइफ है कोई भी जगह है आप नेगेटिविटी से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, आप डिस्टिंक्शन की बात कर रहे हो, जब आप लोग एमबीबीएस में आ रहे थे तब भी आपको कई लोग कहते होंगे कि भाई आप एमबीबीएस नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सो इन चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। बस यहां पे एक हम कंक्लूड करते हैं मीटिंग को कि आपने किसी दूसरे के बारे में ये नहीं सोचना कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है या दूसरा मेरे, अगर आपने किसी के लिए भलाई की ना तो आपने ये इसलिए नहीं की कि वो बदले में आपके लिए कोई भलाई करेगा। ठीक है, अगर आपकी वजह से किसी के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो इससे मतलब नहीं कि उसकी वजह से आपके मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए। आप कोई नोट्स बनाते हैं, आप कोई शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, आप शेयर करें। इवन मैं था, मैं हमने जो एनाटॉमी के सारे क्लिनिकल्स के नोट्स इवन ग्रुप्स में भी पढ़े हुए हैं, पूरे अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में जो हमारा सेशन था सब सारे के सारे मेरे वाले नोट्स यूज करते थे। लेकिन उसका हर किसी मतलब नहीं था कि मैं दूसरों के साथ शेयर ना करता या मैं दूसरों को ये ना कहता कि वो ना करें, उनके अच्छे नंबर मेरे से अच्छे भी नंबर है ऐसे बहुत सारे बच्चों के, लेकिन उससे ये मतलब नहीं है कि वो मेरे नोट्स की वजह से आए हैं। हर बंदे की अपनी मेहनत होती है, हर बंदे का अपना होता है। आप जितना कर सकते हैं आप दूसरों की भलाई के लिए करें। ठीक है, और प्रूफ एक ऐसी चीज है इसमें ज्यादा आपकी जो है वो लक मैटर करती है और कम आपकी मेहनत मैटर करती है। ठीक है, आप अपनी मेहनत फुल करें, उसके बाद आप दुआएं भी करें अल्लाह ताला से, और उसके साथ ये जो रवैया है ना ये बहुत अच्छा कि आप दूसरों की हेल्प करें। हो सकता है आप दूसरों की हेल्प करें, कल प्रूफ में आपका कोई मसला बन जाए तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो टोटल जितनी भी नेगेटिविटी है इसको आप जेन से निकाल दें यहाँ पे आके कि आपके नंबर कम आएंगे किसी इस वजह से या आपकी वजह से किसी के नंबर से ज्यादा आ जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। डिस्टिंक्शन लेना ना लेना एक अलग मैटर है, आप डिस्टिंक्शन के लिए एफर्ट करें जरूर करें, बहुत अच्छी चीज है। और जो आपको इस बारे में डिग्रेड करता है कि आप डिस्टिंक्शन नहीं ले सकते, आपका मजाक उड़ाता है, उसको लेके दिखाएं कि भाई मैं डिस्टिंक्शन ले सकता हूँ, क्यों नहीं ले सकता। ठीक है, अपनी एफर्ट अच्छी करें और पहली कोशिश ये करें कि आपकी वजह से लोगों को फायदा पहुंचे। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे रखें, इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपके साथ साथ चलती जाएंगी। होप सो आपको कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा। और अब हम एंड करेंगे मीटिंग को, कंक्लूड करेंगे। थैंक यू एवरीवन आपने ज्वाइन किया, और कोशिश ये होगी कि आप लोग बाकी अपने दोस्तों के साथ भी चीजें शेयर करेंगे। ठीक है, और हम ये जो है हमारी आज की मीटिंग है इसको कोशिश करेंगे कि हम लोग यूट्यूब पे भी अपलोड कर दें ताकि आप बाकी लोग बता दें, अगर ना भी हो सके अगर किसी को फाइल चाहिए होगी वो मुझे बता दें, हम फाइल भी सेंड कर देंगे उसको। इसके अलावा कोई भी किसी चीज का कोई क्वेश्चन हो आपको, कोई भी मसला हो तो इंशाल्लाह हम बताते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, और ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तहनियत, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट वर्ड्स? नहीं, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक। और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, इसमें प्रॉफ हो ही जाता है एट द एंड। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।